वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी, वेलकम टू माय वीडियो नंबर 5। यहां से हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप के इस बुक के अंदर इस अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। क्यों? हर जगह पर हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। अरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने पहले ही पढ़ लिया, एक नया सा नाम इसके बीच में जोड़ दिया, तो इसकी जरूरत क्या है? अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आपका लिंक करता है 11th क्लास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमने तीन चीज बनानी सीखी थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम पहले से ही सीख चुके। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या चीज निकालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे जाके कहां पर ट्रांसफर हो जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां से हम निकालते क्या थे? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते थे आगे बैलेंस। तो सिंपल सी बात, ये तीन ही अकाउंट हमने पढ़े। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है और क्यों जरूरत है, अब ये समझते हैं। यहां पर 11th क्लास के हिसाब से एक सिंगल बंदा ही कंपनी का मालिक था, तो जो भी प्रॉफिट आता था वो सीधा का सीधा उसे मिल जाता था, उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता था, मुझे अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या हो रहा है? पार्टनरशिप में हमारे पास 2, 3, 4 पार्टनर हो सकते हैं, तो इन चारों पार्टनर्स को कुछ सैलरी भी देनी पड़ सकती है, कमीशन भी देना पड़ सकता है, हर एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज अलग अलग होगा, तो हर एक के लिए मुझे अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां इन दोनों अकाउंट के बीच में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में हमने दो अकाउंट डेवलप किए। एक था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा था आपका कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहां पर एप्रोप्रिएशन का मतलब है बंटवारा। तो यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आ रहा था वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर ना होके अब वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखें, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां से हम जो भी नेट प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट आपका यहां से आएगा, वो अब आपका कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? तो मतलब समझ में आया, जरूरत समझ में आई। पहले सिंगल ओनर था तो कोई अकाउंट की जरूरत नहीं थी, यहां पर 2, 3, 4 पार्टनर है तो मुझे पार्टनरशिप के लिए, बंटवारे के लिए एक एप्रोप्रिएट अकाउंट की जरूरत है। अब इसमें ध्यान देने वाली दो बातें, यहां पर भी एक वर्ड यूज हो रहा है सैलरी। भैया, सैलरी तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती थी, ये यहां पर क्यों आई? अब जब भी सैलरी हम किसी वर्कर को देंगे, बाहर वाले इंसान को देंगे, थर्ड पार्टी जिसे हम कहेंगे, तो वो सारे खर्चे आएंगे यहां पर। लेकिन अगर वो सैलरी हम पार्टनर को देंगे तो वो आएगा इस अकाउंट में। डन? तो सबसे पहले पीएनएल का थोड़ा सा बेस समझ लें। पीएनएल अकाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ये कॉलम थे डेबिट साइड, ये कॉलम थे क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे फॉर्म के खर्चे और लॉस आ रहे थे, यानी फॉर्म को जो भी खर्चा करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी पे, बाहर वालों पे, वो सारे खर्चे और लॉसेस यहाँ पर आ रहे थे। ऐसे ही इनकम और गेन्स, यहां से जहां से भी पैसा मेरे पास आ रहा था, वो सारी इनकम आ रही थी आपकी क्रेडिट साइड। अभी इस बादल को नहीं देखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात, डेबिट साइड में सारे खर्चे जिससे पैसे जा रहे थे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम जिससे पैसे। जब इनकम ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। डन? अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड है, मतलब जो भी चीजें, जो भी पैसा पार्टनर्स को देना है या पार्टनर्स से लेना है, वो सारी के सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होंगी। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है बंटवारा। तो अब यहां पर लिखा है
टू सैलरी, तो ये सैलरी अब हमें किसे देनी है? पार्टनर को। अगर लिखा होता टू सैलरी टू वर्कर तो वो यहां पर नहीं आती, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती। तो टू सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को जो भी सैलरी देनी है फर्म के लिए क्या है? खर्चा, फर्म के पास से पैसे जा रहे। टू कमीशन टू पार्टनर, सिंपल सी बात, कमीशन देनी पड़ रही है, पैसे जा रहे हैं। अगर लिखा होता मैनेजर कमीशन तो कहां पर आता? मैनेजर मेरा पार्टनर तो नहीं है, मैनेजर मेरा पार्टनर नहीं है तो वो कहां पर आता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जो कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है पार्टनर्स ने उसके ऊपर जो भी ब्याज देना पड़ेगा वो फर्म के लिए खर्चा है। टू रिजर्व, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं पार्टनर्स में ना बांट के अपने पास रख लेता हूं, फर्म के पास रख लेता हूं, तो ये है आपका रिजर्व। उसके बाद आ जाता है, अभी इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, अभी इस साइड आएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये है आपका नेट प्रॉफिट। कहां से आया नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है। कैसे? पार्टनर्स ने कुछ पैसे निकाल लिए फर्म से, ठीक, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को ब्याज देना पड़ेगा, किसको? फर्म को। तो क्या हो जाएगा? फर्म की इनकम। सिंपल। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो अगर ये फर्म है और एक पार्टनर है, फर्म ने पार्टनर को ड्रॉइंग्स दी, पैसे दिए, यानी फर्म से पार्टनर ने अपनी जरूरत के लिए पैसे निकाले, तो ड्रॉइंग्स, तो बदले में पार्टनर को फर्म को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यही आपकी मेन चीजें है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आती है। सेम वही तरीका, प्रॉफिट कैसे आएगा? जब क्रेडिट साइड तो ज्यादा होगी, यानी पैसे मेरे पास ज्यादा आएंगे, इनकम मेरे पास ज्यादा आएगी, और खर्चे, डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं, तो डेबिट साइड यानी खर्चे कम होंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स। तो इसलिए हमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डन। इसके बाद हमारे पास साथ साथ हमने कैपिटल अकाउंट को भी थोड़ा सा समझने के लिए हमने इसके साथ इसे जोड़ दिया। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का अकाउंट है। पार्टनर का मतलब या तो पार्टनर को यहां पर पैसे मिलेंगे या पार्टनर को यहां पर पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आता है, ये देनदारी को शो करता है, तो देनदारी हमेशा क्रेडिट होती है। तो सिंपल सा फंडा, सबसे पहले ये शुरू होगा ओपनिंग कैपिटल से। ये है आपकी ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पैसा पार्टनर्स ने पिछले साल लगा रखा था वो उसके बैलेंसेस हम आगे ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद जो भी चीजें कैपिटल को बढ़ाएगी वो क्रेडिट में जुड़ेंगी, और जो भी चीजें मेरी कैपिटल को कम करेंगे वो डेबिट में आएगी। डन। तो इसका बेसिक फंडा क्या है? क्रेडिट बैलेंस का बेसिक फंडा कि क्रेडिट क्रेडिट को बढ़ाएगा और अगर डेबिट होगा तो उसको कम करेगा। तो कैपिटल बढ़ेगी कब? जब पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे। तो फर्म जो खर्चा कर रही है, फर्म ने सैलरी दी तो वो सैलरी किसको मिली? पार्टनर को। तो टू सैलरी, तो ये पैसे सैलरी पार्टनर के पास चली गई, तो सिंपल सा फंडा बाय सैलरी। कमीशन पार्टनर के पास चली गई बाय कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद सबसे जरूरी चीज रिजर्व, ये पैसा पार्टनर को ना देके हमने बचा लिया, फर्म ने बचा लिया, तो ये पार्टनर के अकाउंट में नहीं आ रहा। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। तो ए को जितना प्रॉफिट मिला ए के कॉलम में,
बी को जितना प्रॉफिट मिला बी के कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऐसी डेबिट साइड की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये तो है ही है, प्लस यहां पर एक नई चीज आएगी ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स ने जो पैसे निकाले वो उसकी पूंजी को कम करेंगे, तो कम करेंगे मतलब टू ड्रॉइंग्स। तो यही थी चीज ध्यान देने वाली। उसके बाद इस अकाउंट को हम बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस कैश डाउन। अब ये जो बैलेंस आएगा ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। अब दो नए अकाउंट का पर्पस क्लियर हुआ, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सर आपने ये बादल के बारे में कहा था, बाद में याद दिलाऊंगा, तो थोड़ा सा आसान कर देते हैं। सर 11th क्लास में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इतना बड़े बड़े अकाउंट्स होते थे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ा बोरिंग लगेगा, तो थोड़ा आसान कर देते हैं। इस बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी बनाना है जब क्वेश्चन में ये तीन चीजें दे रखी, या तो दे रखा हो हमने रेंट पे किया अपने बिजनेस का किराया तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जब दे रखा हो इंटरेस्ट ऑन लोन ब्याज की बात कर रखी हो, भाई इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कहीं से लोन उठा रखा है, पार्टनर से ले रखा हो, काले चोर से ले रखा हो, दुश्मन से ले रखा हो, मुझे मतलब नहीं, अगर उसने वर्ड यूज कर रखा है लोन तो बनेगा पी एंड एल अकाउंट। और तीसरा मैनेजर कमीशन, अगर मैनेजर को कमीशन देनी है तो हमें हर हालत में क्या बनाना पड़ेगा, पी एंड एल। तो इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है, ये तीन पॉइंट नोट कर लेना, पूरी की पूरी बुक के अंदर यही तीन पॉइंट हैं। मैं मोस्टली 99% केसेस में आपका पी एंड एल अकाउंट सिर्फ इस तीन पॉइंट पे ही बनेगा, कौन कौन से, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर। अगर ये कमीशन मैनेजर की ना होके पार्टनर कमीशन होती तो कहां आती, पी एंड एल अप्रोच। डन। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देनी है, वो है बहुत जरूरी, आपको बुक के अंदर स्टार्टिंग में ही जनरल एंट्रीज मिल जाएंगी, सर आपने जनरल एंट्रीज तो कराई नहीं, तो ध्यान देने वाली बात, हमें लेजर से जर्नल बनाना आना चाहिए, यानी अकाउंट्स जो हम बना रहे हैं इससे मुझे जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए। देखो कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये क्रेडिट साइड है, इसका मतलब यहां पर अकाउंट डेबिट हो रहा है, या कौन सा अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जब भी मैं जनरल एंट्री करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, टू सैलरी, एंट्री तैयार, टू सैलरी। दूसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर प्रॉफिट बंटवारा होके दोनों पार्टनर्स में बांट दिया, तो इसलिए टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये तो थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्री, यहां एंट्री क्या होगी, क्रेडिट साइड की एंट्री कैसे होगी, माइंड लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ध्यान देने वाली बात, क्रेडिट होगा, तो एंट्री कैसे बनेगी, तो सबसे पहले क्रेडिट कर दूं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही इसकी एंट्री बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया, किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से, तो एंट्री तैयार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपल सा फंडा है, मुझे अकाउंट बना लो
जनरल एंट्री का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अकाउंट समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो जनरल एंट्री में खुद डेवलप कर सकता हूं। मैं आपको कभी भी रटी टाइट चीजें नहीं बताऊंगा, भाई ये रट लेना ना, हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा। लॉजिक समझ गए तो कभी भी अकाउंट्स आपको मुश्किल नहीं लगने दूंगा। ऐसे ही अगर मुझे इस कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट करनी हो, सॉरी जनरल एंट्री करनी हो, तो कैसे करूं? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ए की कैपिटल की बात करें, एक क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? सैलरी की वजह से, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। टू एस कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू बेस कैपिटल, तो एक साथ एंट्री कर दूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल। दूसरा कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल। ऐसे ही आपकी सारी सारी एंट्रियां बनती रहेंगी, आपको कभी भी अलग से जर्नल की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। यही थी आपकी लेजर से जर्नल पोस्टिंग। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक मैसेंजर, जहां पर भी आपका मन करे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए लाइव क्लासेस तो मैं आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी। थैंक यू।